हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए कैसे हो आप। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और राधा रानी करें, कान्हा जी करें, आप लोग हमेशा ठीक रहें। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत दिन से मॉर्निंग रूटीन ही आप लोग के साथ शेयर कर रही थी, इवनिंग का नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं इवनिंग का आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं इवनिंग में क्या क्या काम करती हूँ। जो एक हाउसवाइफ होती है उसके इवनिंग में क्या क्या काम होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स कि इवनिंग में हम हाउसवाइफ को कोई काम नहीं होता है। इवनिंग में ही मॉर्निंग जितना ही काम होता है, वही सारे, जैसे कि झाड़ू लगाना हो गया, घर को क्लीन करना हो गया, बिस्तर जो है उसे सेट करना हो गया, बर्तन हो गए, फिर नाश्ता हो गया, फिर शाम की तैयारी हो गई। तो इवनिंग में तो थोड़ा ज़्यादा ही वर्क हो जाता है, क्योंकि शाम का नाश्ता भी देखना पड़ता है और डिनर भी देखना पड़ता है। तो अभी देखिए, मैंने जो गद्दा था वो छत पे डाल दिया था सूखने के लिए, वो सूख गया है। तो अभी मैं लेके नीचे आई हूँ और उसे सेट कर दे रही हूँ। और यहाँ छवि को भी मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का डिक्टेशन बोल रही थी, वो लिख रही थी, तो मैं उसे पढ़ा भी रही थी, इधर अपना काम भी कर रही थी। दोनों एक साथ हमें करना होता है, क्योंकि इसी टाइम ही हमें समय मिलता है कि बच्चों को भी थोड़ा पढ़ा लिया जाए। जैसे कि सुबह पढ़ाती हूँ तो जो होमवर्क होता है वो बच्चों को दे देती हूँ, तो वो शाम को कर लेते हैं। पर आज एक हफ्ते से बच्चे कोई पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो आज मैं ज़बरदस्ती इन्हें बैठा के पढ़ा रही थी। और इस छवि को मैं, एक इंग्लिश की कहानी है वही मैं बोल रही थी और वो लिख रही थी। और अभी चलिए रूम में, मैं रूम की हालत आपको दिखाती हूँ कि क्या है रूम की हालत। ये देखिए कितने ढेर सारे कपड़े हैं। आज मैंने हाथ से कपड़े नहीं कचारे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे और मैं थक जाती। तो आज मैंने मशीन लगाया था और ये 3 दिन का कपड़ा था, तो अभी मैं इसे फोल्ड करके रख लेती हूँ। 3 दिन में ऐसा नहीं है कि हम लोग का कपड़ा था, जैसे चद्दर हो गया और टॉवल्स हो गए, गमछा हो गया, ये सब भी था इसमें। 2 चद्दर था, एक आगे वाले रूम का और एक पीछे वाले रूम का। तो ये सब जब निकलता है ना फ्रेंड्स, तो मैं हाथ से नहीं धुलती हूँ, मैं मशीन लगा देती हूँ। क्योंकि मैंने मशीन इसीलिए लिया था कि बड़े बड़े जो जैसे बेडशीट हो गए, कर्टन्स हो गए, तो इन सबको मैं मशीन में डाल दूँ। बाकी डेली के जो कपड़े हैं, जैसे बच्चों के, मेरे, वो मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ। हस्बैंड के हो गए, ये सब मैं हाथ से ही वाश कर लेती हूँ। तो अभी देखिए, ये जो है ये एक बिस्तर टाइप का है, हल्का सा है, कभी हल्का सा मतलब ठंडी लगे तो ओढ़ भी लेते हैं, बिछा भी लेते हैं। और इन सारे कपड़ों को मैं फ़ोल्ड करके अलमारी में पहले लगा लूँगी, फिर मैं बेड को क्लीन करूँगी। क्योंकि आज जो है ना, घर पूरा अस्त व्यस्त था, आज मैं सुबह से बिजी थी, तो इसीलिए अगर मैं सुबह का ब्लॉग शूट करती ना, तो मुझे मॉर्निंग का जो काम है वो मेरा बहुत लेट हो जाता। इसलिए मैंने मॉर्निंग में कोई ब्लॉग शूट नहीं किया और इवनिंग का आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैं सारे कपड़ों को अच्छी तरीके से फ़ोल्ड करके फिर उन्हें अलमारी में सेट कर दूँगी। और फ्रेंड्स, आप लोग से मुझे एक शिकायत है कि आप लोग सब्सक्राइब तो करते हो पर फिर कुछ समय बाद अनसब्सक्राइब कर देते हो। प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो अनसब्सक्राइब मत करिए, कि तो पहले आप सब्सक्राइब करिए ही मत। क्योंकि आप जब एक एक सब्सक्राइब हमारा बढ़ता है ना, तो हमें बहुत खुशी मिलती है, पर जब फिर से हम देखते हैं कि घट गया तो बहुत दुख होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप हमारे चैनल पे विज़िट करो, तो प्लीज़ आप अनसब्सक्राइब मत करिए, क्योंकि हम लोग आप लोग के लिए ही इतना टाइम अपना जो है वेस्ट कर रहे हैं, वो आप लोग के एंटरटेनमेंट के लिए ही हम लोग कर रहे हैं, कि आप लोग को थोड़ा सा इन्जॉय मिले और हमारी भी थोड़ी हेल्प हो जाए, क्योंकि हमें भी ज़रूरत है। तभी तो हमने मतलब YouTube पे अपना चैनल बनाया। इतना सारा हम वर्क करते हैं, घर को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, बच्चों की पढ़ाई देखनी पड़ती है, पर हमें आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हो। और अभी तक हमारा कम से कम नहीं तो 100-102 वीडियो हो गया है, पर एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ है। अगर आप लोग चाह लोगे ना, तो एक दिन में ही बहुत कुछ हो सकता है। तो प्लीज़ फ्रेंड, हमें सपोर्ट करिए, जैसा कि आप लोगों ने उन यूट्यूबर को किया था जो एक अच्छे खासे मुकाम पर चले गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनसे कम मेहनत हम लोग भी करते हैं, कि जितना वो लोग दिखाते हैं, जितना टाइम वो लोग मतलब YouTube को देते हैं, उतना ही टाइम हम लोग भी देते हैं, पर हमारे पे कोई व्यूज़ ही नहीं आता है। पता नहीं क्यों नहीं आता है, क्या कमी हमारे वीडियो में रह जाती है, क्या हमसे गलती होती है। अगर कोई गलती या कोई कमी है तो वो कमेंट करके बताइए कि आपका वीडियो जो है यहाँ पर आपकी ये कमी है, तो वो हम दूर करने की कोशिश करेंगे। पर आप लोग तो अगर पता नहीं खोलते भी होंगे हमारा वीडियो या नहीं खोलते होंगे, तो प्लीज़ जिनको भी आप देखिए कि न्यू यूट्यूबर हैं, उनको प्लीज़ सपोर्ट करिए फ्रेंड्स आप लोग। तो अभी देखिए, मैंने अपनी दिल की बातें आप लोग से कर दी है, मेरे दिल में क्या था तो मैंने वो सब आप लोग से खुल के शेयर कर लिया है। और अगर इसके दौरान अगर कोई भी
बात आपको बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बट थोड़ा हमें सपोर्ट करिए। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ, शाम के सारे बर्तन हैं और जैसा कि मैंने सुबह में धुल लिया था बच्चों को खाना खिलाने के बाद, बस ये कुकर रह गया था और थोड़े से बर्तन, जैसे कि बच्चे थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं तो वही प्लेट्स हैं, और बाकी तो मैंने धुल के ही सोती हूँ जब भी मैं खाना बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने चाय भी चढ़ा दी थी कि जब तक मैं बर्तन वॉश करूँगी तब तक तो चाय भी बन जाएगी, पर चाय मेरी ठंडी हो गई, मैं बहुत देर बाद चाय पी थी। और क्योंकि छवि का बाल भी बनाना था तो छवि आ गई कि मम्मी पहले मेरा बाल बना दीजिए फिर आप क्या कहते हैं कि चाय पीजिएगा। तो बच्चों का काम आपको पता है कि माँ सबसे पहले बच्चों का काम ही करना पसंद करती है। तो अभी देखिए मैंने सिंक को भी वॉश कर लिया है और अब मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो अभी छवि मेरे पास ही है, वो बोल रही है मम्मी आप मुझे बोलिए, मैं बोल रही हूँ कि अभी रुक जाओ मैं काम कर लूँगी तो मैं तुम्हें बोल दूँगी, पर वो बोल रही है आप जल्दी से बोलिए मेरा काम जो है वो फिनिश हो और मैं खेलने जाऊँगी। तो इसीलिए देखिए मैं काम करते करते उसे बोल रही हूँ और वो लिख रही है। अभी वो गेट खोल रही है कि बाहर कोई शायद आया था तो मैंने बोला कि जाके छवि थोड़ा देख लो कौन है, तो वही वो गेट के बाहर गई है। और मैंने कॉपी जो है ना बुक जिससे मैं बोल रही हूँ वो साइकिल पे रख दी हूँ। तो अभी देखिए मैंने झाड़ू भी लगा लिया है। फ्रेंड्स एडिटिंग करते समय ना मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि पहले मैंने छवि का बाल जो है उसे कॉम्ब किया था फिर मैंने ब्रेड सेका था, तो वो क्लिप चली गई है ब्रेड मतलब सेकने के बाद और ये क्लिप पहले आ गई है। बाद में मैं देखी तो मुझे लगा कि ये देख गलती हो गई। और आइए आप लोग भी ब्रेड चाय गर्मा गर्म खाइए। तो मैं अभी नाश्ता कर लेती हूँ, बच्चे भी कर लेते हैं नाश्ता, फिर उसके बाद से मैं छवि का बाल जो है वो कॉम्ब कर दूँगी। तो गर्मा गर्म चाय और ब्रेड बहुत अच्छा लगता है और बटर के साथ हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो अभी देखिए छवि का बाल मैं यहाँ पे कॉम्ब कर लेती हूँ क्योंकि वो खेलने जाएगी, वो दिन भर में तो 4-5 बार अपने बाल को कॉम्ब करवा ही लेती है क्योंकि यहाँ का मौसम जो है ना वो कब बारिश हो जा रही है कब गर्मी लग रही है पता ही नहीं चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और दिन है सोमवार और तारीख है 4 अक्टूबर है। तो आज का ब्लॉग जो था मैंने इवनिंग से ही स्टार्ट कर दिया था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था आप लोग के साथ मैंने इवनिंग की रूटीन शेयर नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग की मैं बहुत टाइम से दिखा रही हूँ और आज इवनिंग की भी आपको दिखा देती हूँ। तो अभी मैं आपको अपने गार्डन में ले चलूँगी, गार्डन बोल लीजिए या ऐसे ही बोल लीजिए, तो मेरे लिए तो गार्डन है। तो अभी मैं ले चलूँगी आप लोग को गार्डन में क्योंकि धूप 2 दिन से बहुत तगड़ा हो रहा है ना, तो इसलिए जो गमले होते हैं गमले की जो मिट्टी होती है वो थोड़ी थोड़ी होती है ना, तो मैं सारे गमलों में पानी डाल दूंगी अभी। और लाइट खोल दो छवि, लाइट खोल दो। तो छवि किचन का लाइट देखिए बंद कर दिए, तो शाम हो गया इसलिए मैंने बोला कि खोल दो लाइट क्योंकि अब थोड़ी देर बाद जो है दिया जलाने का समय हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं छत पर, मैं दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स अभी मैं छत पे आ गई हूँ, पर मैं जब छत पे आई थी ना तो गमले में से सिर्फ तुलसी जी के गमले में पानी नहीं था, बाकी सब गमले में पानी था क्योंकि रात को बारिश हुआ था और मैं भूल गई थी कि रात को बारिश हुआ है। तो सारे गमले में पानी था, मुझे किसी में पानी नहीं डालना पड़ा, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा, साथ ही कमेंट करना भी मत भूलिएगा कि मेरा गार्डन कैसा लगा। ये देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।